गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम दुकान नहीं गए हैं क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था, बुखार आ गया था ठंडा की वजह से। ठंडा कितना गिरा है आज आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमारे घर के सामने जो स्कूटी दिखाए थे आपको पिछले वीडियो में, उसमें से एक खड़ा ही था। तो देखिए कैसे बर्फ जम गया है। ये सारा बर्फ़ है, फ्रीज हो गया था। देखिए कैसे निकल रहा है बर्फ, देखिए कैसे, कितना ठंड था ये अभी देख के आपको पता चलेगा। देखिए पूरा बर्फ, यहाँ का ठंड तो इतना है। आपको मैं जमा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हाथ बिल्कुल सुन हो गया। देखिए इतना ज़्यादा ठंड है आज कि बर्फ़ जम गया है। हमारे जो स्टोरेज पानी था उसके ऊपर भी बर्फ़ जम गया था, वो हम आपको नहीं दिखाए पाए। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, उसके बाद ब्रश व्रश फ्रेश होके आते हैं तो आपको दिखाते हैं आगे का वीडियो। ये देखिए गाड़ी पर भी कुछ जमा हुआ है बर्फ़, देखिए कैसे आवाज़ आ रहा है। ये जो काला काला आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा बर्फ हो गया है। ये देखिए पूरा ठंड से हाथ अंगूठा लग रहा है नहीं है, बर्फ देखिए ऐसे दिख रहा है, गाड़ी के ऊपर था जमा हुआ, ठंड हो गया हाथ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो दोस्तों चलिए इस बर्फ़ को धूप में रख के देखते हैं कैसे ये पिघल रहा है। तो चलिए इसे उठाते हैं। फिलहाल इतना ही लेके चलते हैं कि ज़्यादा लेंगे तो हाथ ठंडा हो जाएगा। तो बर्फ़ को यहाँ रखते हैं, देखिए कैसे पिघलेगा धूप में। अब तो देखिए पिघलना शुरू हो गया है बर्फ ये। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो ठंड से हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग अब अंगैठी को जला रहे हैं। तो देखिए अब उसमें कोयला डाल रहे हैं हम लोग, तो थोड़ी देर में ये जल जाएगा। ये जो पहले हम लोग डाले हैं ये धूप लकड़ी है, जिसे हम लोग सारल भी बोलते हैं, पूजा हुमात में काम आता है, जो वही है, यहाँ कम दाम में मिल जाता है हम लोगों को। तो सेंट बहुत ही बढ़िया आ रहा है, घर में पूरा खुशबू हो गया है, जैसे कोई पूजा ही हो रहा है घर पे। लेकिन एक्चुअल तो ये हम लोग आगुन तापने के लिए कोयला जला रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो घर पे धुआं भर गया था, उसके लिए हम लोग इसे अंगैठी को बाहर निकाल के रखे हैं। खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है और हवा इस तरफ से आ रहा है, तो हम इसको मुंह छोड़ देते हैं। ये देखिए इसका मुंह है अंगैठी का। तो देखिए कितने टेम्परेचर में अब चलना शुरू हो गया है, ये कुछ ही देरों में अब चल जाएगा। ऐसे हमारा रूम भी गर्म हो जाएगा और हम लोग को भी गर्मी मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तो दिखाते हैं जलने के बाद आपको। तो फाइनली दोस्तों हमारा चूल्हा जल गया है, देखिए कितना हीट में जल रहा है। अब हम लोग का थोड़ा रूम भी गर्म हो गया है। संक्रांति का दिन का दही है, इसे हम लोग आज कढ़ी बना के खाएंगे। कढ़ी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो आज का ब्लॉग इतना में ही ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो मेरे ब्लॉग अच्छा लग रहा है इतने दिनों से देख रहे, लगभग 3 हफ्ता हो गए। अगर देखने में आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट्स में ज़रूर कुछ लिखिए, गलती हो रहा है मुझसे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।
I have a dream, that's all I need. I'll make it happen.